हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते प्रभु जी, शुक्र करते हैं प्रभु जी तुहाडी हजूरी दा। पिता एक बारी परमेश्वर के नाम के आप जोरदार अज आप जिहड़ा वचन शेयर कर जा रहे हैं, परमेश्वर ने तीन क हफ्ते पहला मैनू आवाज़ आई सी कि परमेश्वर ने कहा कि जे तुसी मेरे पिछे चलना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करो। आप बरकतों के वचन सुनी दे आ, हीलिंग दे सुनी दे आ, ते मैनू बड़ा लगा कि यह वचन औखा आ। परमेश्वर के पिछे चलना कोई सौखी गल नहीं, पर परमेश्वर साढ़े को मंग करता है। तो फिर बाद जो मैं किसी भैन गल की वह कहते कि आ दिन भी उ आ रहे हैं। सिस्टर सूसी ने गल की सी क्योंकि परमेश्वर का क्रॉस चक्कन का टाइम आया है ना, दिनों आप सैलीब्रेट करते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रॉस चक्या सी किहदे लई, मेरे लिए तुहाडे लई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते उहदे प्यार के वास्ते कि उन्हें इन्ना सानू प्यार किया कि साडी खातर साडे पापा नू मिटाउण दी खातर जिहड़ा शुरू तो चलिया आ रहा सी उहदी खातर परमेश्वर ने अपने आप नू उस सलीब दे उत्ते अपनी जान दे दित्ती। कौन जान दे सकदा अपने किसी प्यारे दे लई? कोई माँ बाप नहीं दे सकदा, कोई भैण भरा नहीं दे सकदा। जो कोई जान देने का टाइम आता सारे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भी इदा ही होया, जिदा आप सारिआं नूं पता आ कि सारे चेले जिहड़े छड्ड के चले गए सी। हुण जिहड़े आपां विश्वासी हाँ, आपां सारे जदों कल्ले हुंदे आ, जिदा आंटी जी ने वर्शिप च भी गाया, उदों उह साडे नाल हुंदा है, उह सानूं कल्ले नहीं छड्डदा। पहलां तां उहने साडे लई अपनी जान दित्ती, फिर मुरदिआं चों तीजे दिन जी उठे, फिर स्वर्ग दे विच उठाए गए, तो अज भी जिंदा आ। आपां किसी मुरदे की पूजा नहीं करते, उस जींदे परमेश्वर को सर्व करते हैं जिहड़ा कहिंदा मैं राह सच ते मैं जीवन आ। जिहड़ा मेरे ते भरोसा करता कदी शर्मिंदा नहीं होवेगा। हालेलुया, किन्नियां दा विश्वास है। हालेलुया हालेलुया, सचमुच उहने साडियां शर्मिंदगियां नूं लै लिया, सचमुच उन्हें साड़ियां बीमारियां नूं लै लिया, सचमुच उन्हें साढ़े जिहड़े सानू जिहड़ी दुष्टता सी सानू तंग करदी सी, साढ़े जिहड़े हालात सी वह सारे साढ़े उन्हें चेंज कर दिते। परमेश्वर ने अज जो मैं सवेरे वचन प्रार्थना दे विच बैठी ते मैं आप जो प्रभु की मूवी पहली बार देखी थी, सारे जाने देखनी होंगी है ना, अजे भी कई जने होके आओगे जिहड़े नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि असी कमजोर आ। जो असी रूह दे विच तकड़े होवांगे है ना, तो असी वह देखण की भी शक्ति रखांगे ते उहदे पिछे चलण की भी शक्ति रखांगे। जे नहीं देख हुंदी ये सोचो कि असी रूह दे विच कमजोर आ। हालेलुया, जो असी रूह च तकड़े हुंदे आ असी उहनूं देखदे तां असी उहदी एक एक मूवमेंट नूं देखदे आ कि किद्दां उहने साडे लई की स्टैप लै प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, किद्दां परमेश्वर रात नूं जागदे सी, किद्दां तड़फ रहे सी, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, चेलियां नूं बार बार कह रहे सी कि परतावे विच ना पवो। जदों प्रार्थना इतनी कीती सारे परतावे विच पए। इस करके अज आपां भी प्रार्थना च लगातार लगे रहना आ। पास्टर जी ने जिद्दां आपां नूं दस्सिया सी कि सवेरे उठ के तुसी 15 मिनट वचन पढ़ के 15 मिनट ही प्रार्थना, टोटली 15 मिनट भी जे तुसी परमेश्वर लई कढ लवो तां 15 घंटे तुहाडे सेव हो जाणगे। क्योंकि जिहड़ियां सोचां फ्रैश हुंदियां आ उहदे विच परमेश्वर दा वचन जदों जांदा आ ते उह साडा सारे दिन दा साडी खुराक हो जांदी आ। इस दुनिया ते रहिंदिआं होइआं आपां नूं परमेश्वर दे वचनां मुताबक ते रूह दी गाइडेंस दे नाल अपने जीवन नूं बतीत करना पऊगा। क्योंकि शैतान जिहड़ा आ उहनूं शैतान क्यों कहा गया? उह शैतान आ। पर कई जगह शैतान का ज़्यादा प्रचार किया जाता, पर आप उस जिंदे परमेश्वर का नाम उच्चा करना क्योंकि वो सामने कुछ भी नहीं गा, कुछ भी नहीं गा, वो यीशु के नाम तो डरता है। हालेलुया, यस जे थोड़े तो कुछ नहीं होंगे दुख तकलीफ, कला यीशु 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 यीशु
ਉਹ ਡਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਆ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੋ ਜਣੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਂ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਹਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਸਟੈਪ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਸੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਲਈਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਉੱਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਜੱਸੂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੂਕ ਦਾ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 23ਵਾਂ ਵਰਸ ਜੱਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੱਸੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਮੇਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੱਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੂਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੱਸੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੇਨ ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੱਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਲੀਬ ਚੱਕਣ 'ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਲੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਆ ਆਮੇਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਆ
मसीही जिंदगी जिहड़ी आ भैणों ते भरावो ए जे तुसीं अपने रूह ते सच्चाई दे नाल परमेश्वर दे पिछे चलना चाहुंदे आ ए औखी भी नहीं ते जे तुसीं उदां ही चलना चाहुंदे आ ए सौखी भी नहीं। आपां अपने आप नूं देखदे आ वचन दे अनुसार कि अज मेरे लई ये जिंदगी औखी आ। जे किसी नूं औखी लगदी आ ते अज दा वचन आपां सुणदे आ परमेश्वर करे कि साडी जिंदगी जिहड़ी सौखी बन जावे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के मगर चलना जो सलीब चकनी आ तो सानू बहुत सारिया चीज़ा छड़निया पैनगियां, बहुत जगह नो कहना पैना है। साढ़े जिहड़े अपने इत्थे धरती ते रहिंदे आ आपां सारे लोग रिश्तेदार परिवार जिहड़े आ ओह हमेशा हाँ सुनना ही पसंद करते, ना नहीं पसंद करते। इत्थे सानू अपनियां नूं नाराज़ कई बार करना पैना है, पर वह नाराज़ नहीं रहणगे। परमेश्वर का वचन कहता बंदियां तो ना डरो, ना वो तुहाडी जान लै सकदे आ तां ना तुहानूं दे सकदे आ। परमेश्वर तो डरो जिहड़ा तुहाडी जान लै भी सकदा ते तुहानूं जान दे भी सकदा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानूं क्लीयर सारा कुछ दसदा है। इस करके आपां बहुत जरूरी आ परमेश्वर का वचन पढ़ना, पढ़ना ते सुनना। वचन कहता पढ़न ते सुनन नाल विश्वास वधदा है। जे पढ़ नहीं सकते सुनो, सारिआं कोल फोन आ, ऑडियो बाइबल डाउनलोड कर लो, वचन नूं सुनो जे काम ते जांदे आ, पर वचन दे नाल लगे रहो। आमीन। बहुत जाने असीं कहिंदे असीं परमेश्वर की सेवा करना चाहुंदे आ, असीं चाहुंदे आ क्योंकि परमेश्वर ने सानूं चुणे ही कम्मां वास्ते आ। परमेश्वर ने सानूं कुर्सियां ते बैठ थोड़े सदे लई चुणिआ आ। चेले बनाउण दा मतलब की आ? परमेश्वर दे जिहड़े हुक्म आ उहनां नूं पूरा करना। हालेलुया। प्रभु ने चेले ही बना के भेजे सी जिन्हां ने 12 चेलियां ने दुनिया बदल के रख दी। तो परमेश्वर चाहुंदा आ कि आपां सारे जाने इस दुनिया नूं बदल देईए, इस शरीर नूं बदल देईए, अपने रिश्तेदारां नूं बदल देईए। आमीन। हालेलुया। हुण इत्थे की है, आपां हुण आपां थोड़ा जिहा ध्यान दिंदे हां कि हुण असीं करना की आ परमेश्वर दे पिछे चलण वास्ते। अपने आप दा इनकार किद्दां करना? सोचा कहणगियां कि तू आ कर, फ्लैश कहूगी तू आ कर, पर जे वचन पढ़ूंगे तो रूह कहूगी, वचन तुहानू याद कराऊगा कि ये नहीं करना। वचन च लिखिया आ, वचन च लिखिया आ। जो प्रभु यस्सू ने शैतान ने आके प्रभु यस्सू नू 40 दिन की फास्टिंग तो बाद आके कहा कि पत्थरां नू कह रोटियां बन जाण, तो प्रभु यस्सू ने की कहा? वचन दे विच लिखिया आ। प्रभु यस्सू ने यह कहा वचन दे विच लिखिया आ कि अपने परमेश्वर नूं ना परखना। आमीन। जे आपां नूं वचन पता होगा तां ही आपां उहनूं वचन चों बोलांगे, वचन ते चलांगे। अज किन्नी जरूरत आ रैगुलर अपने वचन दी रूटीन बनाउणा। आमीन। रोज़ वचन पढ़ना आ, रोज़ प्रार्थना करनी आ, प्रभु दे नाल समां बिताउणा आ। क्योंकि जदों असीं प्रभु दे नाल समां बिताउंदे आ ते असीं प्रभु वर्गे होण लग जांदे आ। आमीन। जिदा भी संगत उदा दे हो जावे। अज वचन जिहड़ा इक्को ही वर्स के दुआले घूमना आ, पर उहदे विच्चों बहुत वचन जिहड़े बाइबल दे विच हैगे आ आपां उन्ना ही शेयर करांगे जिन्ना के अपने को टाइम आ ते जिन्ना का आपां कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि प्रभु यस्सू मसीह ने एग्जाम्पल तैयार किया मनुख बन के। उन्होंने रब पुणा नहीं अपना दिखाया इत्थे, उन्होंने एज ए ह्यूमन सफर किया है। किहदी खातर? मेरी खातर ते तुहाडी खातर। हालेलुया। हालेलुया। आपां इह भी नहीं कह सकते कि असीं कर नहीं सकते। कई बार कई भैन भरा जां कोई बहाना हुंदा मेरे तो आ नहीं हुंदा, मेरे तो वह नहीं हुंदा। वह साडा पाप आ जिहड़ा सानूं इदां रोकदा आ करने तो। असीं सब कुछ कर सकते क्योंकि वचन दे विच लिखिया वी कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट। मसीह दे विच असीं सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हुण आपां वचन नूं फॉलो करना, एक एक ये नहीं कि अज मैं इन्ने चैप्टर पढ़ ले आ। जे तुसीं चेले बनना, फॉलोअर बनना, तो वचन चाहे थोड़ा ही पढ़ो पर उहदे विच देखो कि मैं कित्थे आ, मैं की करना, मैनूं वचन की कह रहा है। हालेलुया। ते पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपनी जान दे के सानू पवित्र आत्मा दिता आ एक पवित्र जिंदगी जीउण वास्ते जिहड़ा साडियां कमजोरियां च साडी मदद करता है।
ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਨਵੇਂ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸਿਓ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਸਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਲੀਬ ਚੱਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਲਹੂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਕਿੱਲ ਸੀ ਉਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵੈਸਲ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ? ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ, ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੋੜਨੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
उदो पता लगता है कि मेरे विच की कमियां है। उदो आप सीरीयस होंगे क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ सुननी होंगी आ उदो बंदा टुटता है। हालेलुया। इस तरह आप रोज़ परमेश्वर के वचन पढ़ना कि असी दूजिया दस सकी सच में जाणो तो सच तुहानू आजाद करेगा नाले सानू आजाद करेगा नाले दूजिया आजाद करेगा जिन्हों असी चाहते साढ़े परिवार फसे हो साढ़े घर वाले फसे हो साढ़े भैन भरा फसे हो असी चाहते हाँ वो आजाद हो जिदा जिदा आप परमेश्वर च बदना आ उदा उदा साडा आला दुआला जिहड़ा आ बदलन लग जाना। ये याद रखियो ये कहने की गल नहीं ये मेरा अपना एक्सपीरियंस आ जिदा जिदा तुसी परिवार च हाँ तकलीफा आनियां आ पर जे तुसी सोच लिया कि मैं तो प्रभु की ही सेवा करनी हाँ फिर तुहानू कोई नहीं रोक सकता प्रभु फड़ नाल नाल चलता आ हमेशा साडे। आमीन। हुण यूहन्ना दे आपां देखदे हां यूहन्ना दे पहले चैप्टर दे 37वें वर्स च लिखिया आ दोहां चेलियां ने यूहन्ना नूं इह कहिंदे सुणिया 36वें च लिखिया देखो परमेश्वर दा मेमना अते जस्सू दे पिछे हो तुरे जिन्हां नूं पता लगा कि इह परमेश्वर दा मेमना आ इह परमेश्वर दा आ लैला जिहड़ा कुरबान होण लई आया तो उह उहनां दे पिछे तुर पए सी। कई चेले जिहड़े सी सब कुछ छड के तुर पए सी असी कहिंदे साडा पिछला सारा कुछ साडे नाल लई फिरीए तां प्रभु तेरे पिछे वी चलणा आ ते तैनूं वी कुछ करना आपां नहीं कर सकदे कुछ परमेश्वर सानू वो जिहड़े पिछले साडे सारे पाप माफ हो गए उहनां नूं छड के ते उहनां नूं ना करनी पैणी हर रोज़ परमेश्वर ने कहा हर रोज़ अपनी सलीब चक ते मेरे पिछे चल। हर रोज़ असी जिहड़ी चीज़ां परमेश्वर नहीं चाहता वो नहीं करनिया हर रोज़ ना करनिया वो सानू सताव भी झलना पै सकता पर इदा का नहीं कि जिहड़ा झल ना सकीए वो जो असी डिसीजन बना लें कि मैं यही करना है भैणों ते भरावो परमेश्वर तुहाडे लई हालात कई बार आने नहीं दिंदा। मैनू जो पहला पता लगे सलीब चक के चलना तो मैं तो बहुत डरती सी मैं कहा यह मैं नहीं कर सकती वो नहीं औखा आ पर कर सकते हैं परमेश्वर के पिछे चलना फ्लैश में शरीर दियां कामनावां नूं ना करनी पास्टर जी ने कहना वो आपां भैणां नूं चुगलियां भी छड्डणियां पैणियां आ सारा कुछ ही इदां दा छड्डणा पैणा आ परमेश्वर नूं ये चीज़ां पसंद नहीं गिया झूठी गवाही है ना बिल्कुल नहीं पसंद आपां किसी के बारे झूठी गल नहीं करनी वो चुगली बन जाती फिर है ना तो इस करके बहुत चीज़ा जिहड़ियां छड्डणियां पैणियां आ परमेश्वर नूं इदां दियां चीज़ां पसंद नहीं परमेश्वर नूं गलत देखण वालियां अखां पसंद नहीं। आप बचन च बहुत कुछ देख सकते हैं कि जो परमेश्वर नहीं पसंद। हालेलुया। हुण आपां पढ़ते हैं फिर लूक का 14वें वर्ष का 14वें चैप्टर का 27वां वर्ष वचन कहिंदा है जो अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे नहीं चलता वह मेरा चेला नहीं है। इत्थे हो गए आप बहुत सीरीयस गल हो गई आ कि जिहड़ा मेरे हुक्मां दे पिछे नहीं चलता जिहड़ा फलैश नूं अपने शरीर दीआं चीज़ां नूं इनकार नहीं करदा वह मेरा चेला नहीं का। इस करके उदास होण दी लोड़ नहीं आपां अज तो परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ना सीखना ते उहदे पिछे चलना आ। आमीन। क्योंकि जिहड़ा चेला आ ना वह गुरु वर्गा हो सकता आपां यस्सू वर्गे बन सकते हैं ते वचन भी यही कहिंदा कि मसीह जिहा मन होवे अपना क्योंकि मसीह का मन जिहड़ा सी वह दया वाला सी उहने कदी नहीं किसी नूं कहा सी वचन दे विच आपां देखदे हां किसी नूं कहा नहीं सी जा चल जा मैं नहीं तैनूं ठीक करना कहा कदी मेरे को टाइम नहीं कहा कदी नहीं तो आप सुन के आवाज़ नेड़े आ के कहिंदे सी जिहड़ा वह एक कोड़ी बैठा सी तलाब दे कंढे ते वह अड़ीक कर रहा सी तो किदां प्रभु यस्सू मसीह आप उहदे कोल आ के चाहुंदे कि तू की चाहुंदा आ क्योंकि वह उड़ीक करता सी। इदां ही आपां प्रार्थना च लगे रहना आ जे साडी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई उड़ीक करनी आ परमेश्वर आप आ के उत्तर दिंदा आ जां अपने लोकां दे राही आ के साडे काम करदा आ। आमीन। हालेलुया। जे किसे दा कोई काम रुकिया आ पेपर वर्क कोई भी चीज़ जिहड़ा काम हो नहीं रहा बीमारी आ कमजोरी आ नाराज़ ना होवो अज तो यह सोच लईए कि मैं परमेश्वर का चेला बनना आ ते परमेश्वर साडा सब कुछ ठीक कर दूगा। आमीन। फिर मैं वचन तैयार करदी करदी मैं सोचदी सी
कि प्रभु जी भी चेले बनना सब कुछ इनकार करना हाँ ये जड़िया रुकावट आया जड़िया चीजा सा दुआव नहीं सुनिया गई कदों सुनिया जाएगियां कई जन का क्वेश्चन आना कि मैं तो प्रभु को आया मेरी प्रेयर नहीं सुनी गई तो प्रभु इन्ने हुक्म कह रहे हैं भैनों ते भरावो जिदा जिदा परमेश्वर के पिछे स्टैप लैना वो चीज़ा सारिया टुट जानियाँ जे अज नहीं बीमारियां हटिया जे अज नहीं कोई काम होया जे नहीं अडिक्शन हटियां ये मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं पूरा परमेश्वर पूरा आ ये साड़िया कमजोरिया आ जो सानू उत्थे ही लैके बैठिया आ हालेलुया परमेश्वर सच्चा आ जिंदा आ जिदा का परमेश्वर कहते तुहाडा विश्वास होगा उदा का तुहाडे नाल हाँ आप कहे साडा विश्वास आ कि मैं चंगा हो जावा आप कहने साडा विश्वास आ कि मेरी एकदम फाइनेंस ठीक हो जाए पर परमेश्वर ने यह भी किया आ जो मेहनत करता वो भुखा नहीं रहा परमेश्वर ने यह भी किया आ उस औरत ने की किया जस्सू के पल्ले छूया सी जिहड़ी 12 साल तो जिन्हों ब्लड की बीमारी सी कि 12 साल की बीमार किन्ने दुखों के होगी कितना वो रेड़ दी टिंडी गई होगी पता नहीं वो तो तुर भी हुंदा होना कि नहीं होना कितना उन्हें जाके परमेश्वर दे उस पल्ले नु छुया दुखां तकलीफां च छुया उन्हें पैणों दे भरावो अपनी सलीब चक मेरे पिछे चल ये नहीं कहना मैं बीमार आ मैं कमजोर आ मेरा काम आ जिदा दे हैगे आ परमेश्वर दे वचना की पालना करनी आ अज परमेश्वर यही कहना चाहता है हालेलुया अज मैनू सवेरे बुखार चढ़िया सी तड़के मेरी माइग्रेन हुई जी तुसी की सोचते कि पास्टर जी जां कोई भी परमेश्वर की जिहड़ी सेवा करता उहदे लई सौखा आ नो इन्ने प्रॉब्लम्स आउंदियां आ कि तुसी किसे तरह गिव अप करो ना करो पर जदों तुसी सोच लिया कि हाँ मैं प्रभु नूं जस्सू नूं हाँ कीती आ तुसी घरों तुरन तक कई बार इदां हुंदे कि शरीर टुटदा तुसी तुर नहीं सकदे पर जदों तुसी गड्डी च बह जाने तुहानूं पता भी नहीं हुंदा कि तुसी कितना चंगे हो गए किन्ने जाने महसूस करदे आ हालेलुया आमीन ये बीमारियां ये दुख साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे क्योंकि साडा जिंदा परमेश्वर साडे नाल आ हालेलुया आमीन हालेलुया परमेश्वर दा धन्नवाद करदे आ हालेलुया हालेलुया आपां हर रोज सवेरे उठ के परमेश्वर नूं अपने आप नूं देना आ वचन पढ़ना आ यही प्रार्थना करनी आ कि परमेश्वर जी अज मैनूं तेरे वचन दे मुताबक चलण दी ताकत दिओ पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं परमेश्वर नूं ना नाराज करा चाहे दुनिया नाराज हो जाए हालेलुया ओह आपे ही परमेश्वर ने मना लैणे आ हालेलुया जिदा पिछले हफ्ते सिस्टर जी ने शेयर किया 10 कुआरियां की जिहड़ी उड़ीक करदियां सी ते उन्होंने दीवियां च तेल भरिया सी वह खड़िया उड़ीकदियां सी ते जदों लाड़ा आया सी ते जिन्हां दे दीवियां च तेल सी वह नाल चले गईयां सी ते जिन्हां दे च नहीं सी ते वह रह गईयां सी उन्हां नूं मूर्ख कहा गया आ मूर्ख नहीं बनना परमेश्वर ने सानूं आत्मा दिता आ वचन दिता आ जिहड़ा आत्मा के मुताबिक चलता बुद्धिमान बनता है हालेलुया परमेश्वर के वचन च लिखा बुद्ध मंगो तो परमेश्वर तुहानू बुद्ध दे नाल बहुत सारिया चीज़ा दिता है हालेलुया आमीन हुण आपां पढ़ते हैं मरकस का 8वें चैप्टर का 34 तो 35 पढ़ांगे फिर उही वर्स आ गया जो कोई मेरे पिछे चलना चाहे तो वह पहला आप का त्याग करे अपने आप का त्याग करे ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਊਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ अपनी जान ते बहुत सारिया मुसीबत आ सकदियां कई बार कईयां नूं आपां सुनिया कि घरदियां ने बेदखल कर दिता आ कि तैनूं कुछ नहीं मिलना पर उन्होंने परमेश्वर की खातर वह सह लिया बाद विच परमेश्वर ने किदां दियां उन्हां नूं बरकतां दित्तियां वह भी आपां देखदे हुंदे कि किदां उन्हां दा सारा टब्बर परमेश्वर दे विच खुशी दे विच किदां सर्व करदा प्रभु नूं
परमेश्वर जो छुटा है ना तो पूरी तरह ही कट लिंदा उस चीज तो वो चाहता कि मेरे तो बद के तुसी किसी चीज नू सेवा ना करो। कल्ले कल्ले नू आज परमेश्वर चाहता है, कल्ले कल्ले नू परमेश्वर प्यार करता है, कल्ले कल्ले नू हील करना चाहता है, कल्ले कल्ले नू दुखा चो कढ़ना चाहता है। किन्ना प्यारा परमेश्वर है साडा यसू जी, उहदा धन्नवाद करदे एक बारी जोर परमेश्वर दे नाम दी तालियां। हालेलुया। कहिंदे जो अंत तक सहेगा, मतलब रोज जिंदगी च हमेशा ही आपां नूं ना करने पैणे, हर रोज वह कहिंदे बचिया रहेगा। हालेलुया। हुण आपां डरना नहीं गा, कई बार कई भैन भरा डर जाते हैं, परमेश्वर ने वचन च लिखा कि आपां नूं डरदा नहीं, परमेश्वर ने दलेरी का आत्मा दिता है। ये याद रखना, सोचा कहणगियां तैनू डर लगता है मैं नहीं ये कर सकता, पर याद रखना मेरे अंदर जिहड़ा आत्मा आ वह दलेरी का आत्मा आ, वह रेजोरैक्शन का आत्मा आ जिन्हें मसीह नूं मुरदिआं चों जिंदा कर दिता सी, ते अज भी वह स्वर्ग दे विच जिंदा आ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वचन कहिंदा सच नूं जाणो ते सच तुहानूं आजाद करेगा। सच की आ? मसीह यसू, परमेश्वर का वचन। जदों यसू मसीह नूं चंगी तरह जाण लिया ते उहने तुहानूं सारियां बीमारियां तो, सारियां कमजोरियां तो, सारियां अडिक्शनां तो, सारे बंधनां तो आजाद कर देना। आमीन। हालेलुया। सवाल उठता आ फिर, मैं कमजोर हाँ, मैं किदा करूँगा, मेरे काम आ, मेरे बच्चे आ। भैनों भरावो, तुसी एक बार हाँ तो करके देखो, हर हालात में तुरे फिरते परमे पौलुस कहता मैं हर वेले आत्मा च प्रार्थना करता रहता है, हर एक काम दे विच, हर एक हालात दे विच जुड़े परमेश्वर दे नाल रहना है। वो ता रहांगे जे वचन पढ़ांगे, जे चर्च आवांगे, जे फैलोशिप करांगे, जे पवित्र आत्मा दे भरपूर भैन भरावां नाल संगति करांगे। हालेलुया। कई बार सानू कोई डिसिपलिन करदा सानू चंगा नहीं लगदा, मैनू तो बहुत डिसिपलिन होया सी, मेरे टीचर उहदे बैठे आ, तां ही अज प्रभु दे नां च उह तों डरदे ते खड़े आ। आमीन। जदों तुहाडे टीचर तुहानू सिक्ख्या दिंदे आ ते बाइबल दे विचों डिसिपलिन करदे, तां उहनू खुशी दे नाल सह लो, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा आ। तां ही आपां बाइबल स्टडीज जिहड़ियां शुरू कीतियां होईयां आ कि आपां परमेश्वर तो डरना सीख सकीए, क्योंकि वचन कहिंदा यहोवा दा भय सब बुराइयां नूं ढक लैंदा है। आमीन। हालेलुया। आपां पढ़दे हां पहले पत्रस दा चौथे चैप्टर दा एक पहला ते दूजा वर्स। हालेलुया। इस तरह मसीह ने शरीरक तौर पर दुख सहे, इसलिए तुसी भी अपने मना अपने लिए अपने मना नाल इहो जिहा फैसला करो। ये वचन कहिंदा मैं नहीं कहिंदी, इसलिए इस तरह मसीह ने शरीरक तौर पर दुख सहे, इसलिए तुसी भी अपने मना नाल इहो जिहा फैसला करो, क्योंकि जदों आदमी शरीरक तौर पर दुख सह लैंदा है तो उसका पाप नालों संबंध खत्म हो जाता है। ये होने दे आदमी अपने जीवन के बाकी दिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार गुजारता है, ना कि अपनिया शरीरक इच्छावां अनुसार। हुण अपने इत्थे परमेश्वर का वचन की कहिंदा, अज फैसला करो। किनू कह रहा? मैं विश्वास करती हूँ आपां सारिआं नूं परमेश्वर कह रहा है कि अज फैसला करो, अपने मना नाल इहो जिहा फैसला करो, क्योंकि असी आदमी जिहड़े शरीरक तौर पर दुख सह लैंदे आ। शरीरक तौर पर दुख सहना यह नहीं कि सानूं हुण कोड़े पैणे आ, यह नहीं हुण साडी दाढ़ी नचवाई जाणी आ, यह नहीं साडे कंढियां दा ताज पाया जाणा, कोई इदां दा साडे नाल होणा, वह प्रभु यसू मसीह ने कर दिता आ। हुण तां बस सानूं इह आ कि असी पवित्रता च चलना आ, साडियां अपनियां डिजायर जिहड़ियां इच्छावां आ भी मैं आह भी चलाकी कर ली, मैं इधर भी गड़बड़ कर ली, मैं पैसे च भी झूठ बोल लिया, मैं किसी के बारे झूठी गवाही देती, मैं किसी नूं गलत अखां दे नाल देखिया। वचन कहिंदा जदों तुहाडी अख जे पाप करदी आ
तो तुहाडा सारा शरीर परमेश्वर ने कहा है पाप दे विच आ, कहिंदा उस अंग नूं कट दे तां जो तेरा सारा शरीर जिहड़ा नरक च जाण तों बच जावे। परमेश्वर का वचन बहुत ही डिसिपलिन आपां नूं सिखाउणा चाहुंदा आ। इहनूं ही कहिंदे आ कि अपने आप का इनकार करना। जिहड़ी चीज मेरा दिल कहिंदा करने नूं, मेरा मन दिल कहिंदा करने नूं, पर वचन कहिंदा नहीं, उहनूं ना करना है। भैणों ते भरावो, अज तों आपां इदां वचन पढ़ना है, काली नहीं करनी। उपदेशक कहिंदा तेज दौड़न वाला हमेशा पहले नंबर ते नहीं आउंदा, तेज नहीं दौड़ना, आराम दे नाल परमेश्वर दे वचन च, प्रार्थना च ते पवित्र आत्मा की गाइडेंस दे नाल चलदे रहो, ते परमेश्वर वो जिहड़ा जमीन तो चक के तख्त ते बिठाउण दी ताकत रखदा, वह साडा परमेश्वर। हालेलुया। किन्ने जाने चाहुंदे कि मेरे मसले हल हो जाण अज्ज? मैं चाहुंदी हाँ, सारे आपां चाहुंदे हाँ। अज फैसला करो, परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर की आवाज़, अज परमेश्वर कहिंदा फैसला करो कि अज तो मैं अपने आप का इनकार करके, मैं दुनिया दीयां चीज़ां नूं अपनी फ्लैश नूं इनकार करके प्रभु तेरे पिछे चलूंगा। किहदे पिछे चलना? ये तो हुण तुसीं देखो, जदों अपने ब्याह हुंदे आ आपां दूसरे घर च जांदियां, लेडीज जिहड़ियां आ आपां अपना सारा कुछ छड्ड के आ जांदियां, कुछ नाल नहीं लैके आउंदियां, ते आपां एक नवीं फैमिली नूं अडोप्ट करदे हाँ। हुण तां अजकल आपां जिदां पहलां जाणदे हुंदे सारे जणे लव मैरिज हुंदी आ, पहलां चंगी तरह देखदे आ, मिल वरतदे आ, तीन चार साल फिर जाके ब्याह करदे कि परफेक्ट आ जां नहीं। ते पुराने जमाने च जिहड़े सी उह देखदे वी नहीं सी, ते उदों उह इकदम किसे दे घर जाके सारा बदलाव आउणा, भैणों ते भराओ किन्ना मुश्किल होऊगा। कईआं ने मैं पहला देखिया होगा सियाने जिहड़े साडे विच आ, पर उदों आपां नूं बहुत कुछ मापे छड्डण दे नाल, कई तां कह दिंदे कि तू पेकिआं दे नहीं जा सकदी, बहुत कुछ सहना पैंदा सी। पर जिहड़ी उह वाइफ हुंदी सी उह अपने पति दी खातर, अपना घर बनाउण दी खातर उह सारा कुछ छड्ड दिंदी सी। ते साडा परमेशुर कहिंदा आ मैं तैनूं सब कुछ मुहैया वी करूंगा, ते उहने सानूं आजाद वी कीता आ, ते उहदे पिछे चलना सानू तो बरकत ही मिलनियां आ, सानू तुरदा जीवन मिलना आ। वह तो मिलिया ही आ जदों असीं विश्वास कर लिया, वह तो किते नहीं जाना। पर जो साडियां अज दुआवां नहीं सुनिया जा रही, जो अज नहीं साडी जिंदगी च पूरा होया अजे तक, आपां कोशिश करिए कि परमेश्वर दे नाल अज फैसला करके कहीए कि प्रभु जी अज तो मैं तेरे पिछे चलना आ, ते आपां देखदे आ कि किदां बरकत आ। कहिंदा मेरे राज की खोज कर तो बाकी सब कुछ तैनूं तेरे पिछे आऊगा, पिछे पै के मिलूगा। राज की खोज करनी, उहदी इच्छा नूं पुज्जना, परमेश्वर की चाहुंदा है, किन्ने जाने आपां चाहुंदे आ अज उहदी इच्छा नूं जानना। आमीन, हालेलुया। आपां सारे जाने पहलां तो चाहुंदे आ कि सानूं सारियां चीज़ां मिल जाण। मैं एक दिन सोचदी सी जे उदां नहीं आपां कर सकते तो आपां लालची बंदे आ, क्योंकि आपां नूं शुरू तो आदत आ पहलां लैण दी ते फिर कुछ करने की। इत्थे वो साडी डील चल सकती आ, असी इस लालच दे नाल, चंगा लालच आ, इह हुकमां च लिखिया लालच नहीं करना, किसी दूजे की चीज़ का लालच नहीं करना। यह ना सोचो कि भैन लालच का शिकार रही आ, यह लालच करना कि जे प्रभु दे पिछे चले तो प्रभु सानू सारा कुछ ही दूगा फिर। आमीन। किन्नी किन्नी वधिया, मतलब परमेश्वर ने साडे अगे डिजायर रखी आ। आमीन। आपां कोशिश करिए परमेश्वर दे पिछे चलण दी, ता जो रुकियां दुआवां आ, जो सब कुछ परमेश्वर ने कहा वो इत्थे ही आपां देखांगे, ऐसे चर्च च ही गवाहियां सुणांगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण आपां पढ़दे हां जस्सा याद आ 41वें चैप्टर का 10वां वर्स, बस आखिरी वर्स आ। हालेलुया। परमेश्वर के हुण आपां नूं फिर डर भी लगदा आ, है ना, भी हुण आ करना कितना बहुत मुश्किल आ, क्योंकि हालात इदा दे, इदा का टाइम आ गया कि आप बहुत बिजी हाँ, तो घर के हालात भी मैं विश्वास करती हाँ कि सारे घर के हालात कुछ ना कुछ होंदा आ। ये नहीं कि सारे, परमेश्वर ने कितने नहीं कहा कि तुम दुख नहीं सहने, कितने नहीं कहा तो सफर नहीं करना पैना, पर उन्हें कहा मैं थोड़े तो नाऊंगा। ये मैं उस चीज़ पर विश्वास करना कि जो दुख सुख आए आ
पर वह मेरे नाल आ जो उन्होंने याद रखने की शक्ति भी मिलती है। आमीन। यस्सा याद आ 41वें चैप्टर का आप 10वां वर्स पढ़ेंगे। परमेश्वर कहते तू डर ना, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा परमेश्वर हाँ, सो तू किसी चीज़ तो ना डर, किसी चीज़ एक नहीं क्या किसी चीज़ तो ना डर, मैं तेनू शक्ति देवगा अते तेरी मदद करांगा। परमेश्वर कहता मैं तेनू शक्ति भी दूंगा उस डर चो निकल दी, तो मैं तेरी मदद भी करूँगा। भैनों तो भरावो फिर सानू का चिंता आ, वह साड़ी चिंता करता आ, जिन्हें साडे लिए जान दिती आ वह साड़ी चिंता भी करता है। अते तेरी मदद करांगा मैं अपने कहिंदा बली हत्थां दे नाल, शक्तिशाली हाथ तेरा बचा करांगा। आमीन। हालेलुया। अज जे कोई किसी नूं छड्ड गया आ, जे कोई किसी दे नाल नहीं गा, याद रखो परमेश्वर अपने नाल आ ते वह अपने बली हत्थां दे नाल सानूं छुटकारा देवेगा। आमीन। आमीन। ये चैप्टर तुसीं जिहड़ा सारा ही पढ़ लेना, जस्सा जा 41:10, इहदे विच बहुत ही परमेश्वर ने मतलब एनकरेजिंग गल्लां लिखियां जिहड़ियां वह करदा आ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करदे आ, शुक्र करदे आ कि वह सानूं कल्लिया ना कदी छड्डदा। यहोवा पाक खुदा, मैनूं तां गाउणा नहीं आउंदा, आंटी जी बहुत सोहणा गाउंदे हुंदे आ तां मैनूं बड़ा आनंद आउंदा, सानूं कदी कल्ले नहीं छड्डदा। जिद्दण तुसीं विश्वास कर लिया, जिद्दण प्रभु दे विच आ गए, उस दिन तो आपां कल्ले नहीं गए। साडे आ बेटी आ अपनी किरण आ, ये कल्ले ही आए थे, इन्हां दा कोई नहीं गा, पर इन्हां दे नाल प्रभु आ। ये सब कुछ छड्डण नूं तैयार आ परिवार, अपने माँ पे अपना फियोंसे कहते पर मैं तो प्रभु नहीं चुन लिया। मैं जिद्दण इन्हां नाल गल हुई मैं बड़ी हैरान हुई, मैं कहा ये निक्की जी तो ये डरती नहीं गी, क्योंकि इन्हें परमेश्वर नूं जान लिया। कहता चख के देखो परमेश्वर किन्ना भला है। हालेलुया। आप सारिया ने चख्या कि वह भला परमेश्वर आ। हालेलुया। हुण मैं एंड च पढ़दी हाँ एक होर वर्स, यहोशुआ कहिंदा आ 24:15 वर्स दे विच, जिहड़ा फेवरेट वर्स आ ता जिहड़ा अजकल आप मेरे ख्याल च सारे ही क्लेम करते हैं। कहिंदा तुसी किस दी सेवा करोगे? अज मैं भी यहोशुआ वाला क्वेश्चन पुछदी हाँ, तुसी किस दी सेवा करोगे? यहोशुआ अगे कहिंदा मैं ता मेरा घराना ता प्रभु दी ही सेवा करांगे। आमीन। मैं ता मेरा घराना ता प्रभु दी ही सेवा करांगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा धन्नवाद करदे हां, धन्नवाद करदे हां। इत्थे उहने की आपां की अज कहिंदे हां कि प्रभु मैं तेरे पिछे चलना चाहना है, मैं तो मेरा घराना, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरे घराने पीढ़ियों पीढ़ी बरकत दूंगा। हालेलुया। मैं तो मेरा घराना तो प्रभु की ही सेवा करांगे। अज असी प्रभु जी तैयार हाँ चेला बनने, जे कोई मेरा चेला बनना चाहे अपना क्रॉस चके तो मेरे पिछे चले, अपनी फ्लैश न अपनिया डिजायर अपन कंफर्ट न इनकार करना। भैनों तो भरावो जोड़ा वह कंफर्ट देगा वह सदा का कंफर्ट आ, वह कोई नहीं पैसे नहीं दे सकते, वह कोई चीज़ा नहीं दे सकदियाँ, वह कोई परिवार नहीं दे सकते, वह कोई भैन भरा नहीं दे सकते, वह उ दे सकता है जोड़ा कहता राह सच से जिंदगी मैं हाँ। किन्ने जाने अज जे तैयार आ अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के पिछे चलन, आप सारे जने खड़े हो जाने तो परमेश्वर के अगे आप अपने आप को लैके आने। हालेलुया। 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 धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद करते। अज जो मीटिंग शुरू हुई सी साडी भैन सुमन ने भी पहला यही बोलिया सी कि परमेश्वर कहता मेरा अपनी स्लीव चकता मेरे पिछे चल, फिर आंटी जी जो वर्शिप कर रहे सी इन्होंने भी यही बोलिया सी। परमेश्वर का धन्यवाद करते शुक्र करते, जो साडे भरा ने गीत गाया सी उहदे विच भी यही आउंदा सी कि उहदे पिछे सानू चलना चाहिए आ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं भैनों के भरावो, अज आप किसी बंदे के पिछे नहीं चलना, अज आप अज तो परमेश्वर के पिछे चलना है। असी विश्वासी तो सारे ही सीगे पर अज असी प्रभु नूं कहिंदे असी तेरे चेले बनना चाहते हैं,
प्रभु जी साड़ी मदद करो। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने दिलों के हाथ रखिए, सज्जा हाथ अपने दिल से ते खब्बा हाथ आप उपर नूं चुकदे आ परमेश्वर के संघासन वल। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करदे प्रभु जी, तेरा शुक्र करदे आ खुदावर। सारे जाने अपनी आवाजा दे नाल रूह दे नाल जान दे नाल अज दुआ करदे आ। परमेश्वर कहता जो कट्ठे होके करोगे वह स्वर्ग दे विच हो जाऊगा। हालेलुया। असीं चाहुंदे अज हो जाण दिओ अज यसू नाम दे विच प्रभु जी। असीं सारे जाने इक मन इक चित हो के पिता परमेश्वर तेरे चरणा दे विच आउंदे आ। पिता परमेश्वर प्रभु जी अज असीं प्रभु जी फैसला करते हैं। पिता परमेश्वर असी तेरा वचन सुनिया प्रभु जी, तेरा वचन अज सानू दसदा है कि प्रभु जी तुसी साड़ियां कमजोरियां च मदद करोगे। तुहाडा वचन चाहुंदा है प्रभु जी, तुसी चाहुंदे हो कि असी अपने आप का इनकार करिए, तुहाडे सलीब नू चक के प्रभु जी अपनी फ्लैश नू ना करके तेरे पिछे चलीए, तेरे वचना के पिछे चलीए, तेरे सच्चे ते अच्छे फॉलोअर बनीए। प्रभु जी अज साडी मदद करो, पाक रू अज साडी मदद करो। यसू मसीह दे पवित्र नाम दे विच अज मैं इनकार करना हां अपनी कामनावां नू, मैं इनकार करदी हां अपनी कामनावां नू। अज प्रभु जी मैं तेनू हां कहनी हां, मैं तेनू हां कहना हां। अज तो पाक रू मेरी मदद करो यसू नाम दे विच प्रभु जी। अज तो मैं तेरे वचना च प्रभु जी समा बतावांगा, तेरी हजूरी च बैठांगा। पाक रू मेरी मदद कर, पाक रू मेरी मदद कर। मेरे कम्मां नू घटा दो, मेरी स्क्रीन ते जिहड़ियां चीजां मैं देखदा आ, जो मैं टीवी देखदा आ, जो मैं फोन ते जांदा आ, प्रभु जी मैं उहनूं अज इनकार करदा आ कि मैं घट तो घट जावां। प्रभु जी जे जरूरत होवे तां मैं इहनां नूं इस्तेमाल करां, पर प्रभु जी सब तो वध के मैं तैनूं समा देवां। प्रभु जी साड़ी मदद कर, आज प्रभु जी मेरी मदद कर। जो चीज़ा तेरे वालों ने आज मेरी जिंदगी चो चलिया जान प्रभु जी, तेरी हजूरी दे विच तेरे अंदर दे विच असी सारे जने आके प्रभु जी आज तेरे तो मदद मांगते हैं। यहोवा यहोवा मदद कर, एलोहीम मदद कर, यहोवा यरी मदद कर, अल शदाई मदद कर। साडे सारिआं नूं प्रभु जी तेनूं कहने नां ना पुकारीए, तू साडा परमेश्वर आ। यू आर अवर लॉर्ड, यू आर अवर लॉर्ड, लॉर्ड नूं असीं सर्व करिए प्रभु जी। ये सारे आइडल जिहड़े साडी जिंदगी च बने हुआ, साडे रिश्ते, साडे फोन, साडे जो भी गलत चीज़ां साडे आइडल बने आ, जां साडा ज़्यादा खाणा, जां ज़्यादा देखणा, जां ज़्यादा बोलणा, अज यसू दे नां च कट जावे इक इक दी जिंदगी च। शैतान नूं मैं झटकदी आं, छड दे परमेश्वर दे लोकां नूं ते निकल जा इसे वेले यसू नाम च दे लोक, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता जो उन्होंने झिड़कोगे तो वह उतों भज जाएगा। निकल जाए जरा वाइवल पंजाबी चर्च के छड़ दे परमेश्वर के लोगों, छड़ दे इन्होंने बच्चों, छड़ दे इन्होंने परिवार, छड़ दे इन्होंने रिश्तों। निकल जाए यसू नाम से। हालेलुया। छड़ दे यसू नाम, छड़ दे यसू नाम, हर एक बीमारी छड़ दे यसू नाम, हर एक एंजाइटी छट दे यसू नाम दे विच, हर एक लग छुट जावे यसू नाम दे विच, हर एक एडिक्शन आज छुट जावे यसू नाम दे विच। किसे तरह दी भी एडिक्शन है, अडल्टरी दी स्पिरिट नूं असीं झिड़कदे यसू नाम दे विच। जो कई गंदियां चीजां देखदा उहनूं असीं झिड़कदे आ यसू नाम दे विच। गंदी आत्मा चक अपने हाथ ते परमेश्वर दे लोकां नूं छड्ड दे यसू नाम दे विच, क्योंकि असी परमेश्वर का मंदिर हाँ। सारे जाने कहो मैं परमेश्वर का मंदिर हाँ, मैं तो मेरा घराना तो प्रभु की ही सेवा करांगे। हालेलुया।